हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनोरंजन बी। गुम है किसी के प्यार में सीरियल से फेमस हुई एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा को इन दिनों काफ़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। उनकी इस ट्रोलिंग की वजह है उनके द्वारा पहनी गई ये बिकनी। दरअसल खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद ऐश्वर्या शर्मा अपने पति नील भट्ट के साथ मालदीव छुट्टियाँ एंजॉय करने के लिए पहुंची, जहाँ से उन्होंने अपने ये बिकनी में कई पिक्चर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, जिन्हें देखने के बाद फैंस भड़क गए और उन्हें बुरी तरह से ट्रोल करने लगे। ट्रोलर्स ने कहा कि तुम कुछ भी पहनो लेकिन तुम्हें बॉलीवुड में फिल्म तो नहीं मिलने वाली। एक और ट्रोलर ने कहा कि तुम कुछ भी पहन लो लेकिन तुम कभी भी अच्छी नहीं दिख सकती। बिकनी वाली इस पिक्चर के नीचे ऐश्वर्या शर्मा के कमेंट्स इतने ज्यादा नेगेटिव थे कि शायद कोई भी पढ़कर हैरान हो जाए। इससे पहले भी ऐश्वर्या शर्मा ये बता चुकी हैं कि गुम है किसी के प्यार में सीरियल में वो नील के अपोजिट नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, क्योंकि सीरियल के फैंस को नील की जोड़ी आयशा के साथ अच्छी लगती थी। इसलिए फैंस ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थे कि ऐश्वर्या ने नील से शादी कर ली है। ऐश्वर्या और ट्रोलिंग का रिश्ता काफी पुराना है। इससे पहले भी एक्ट्रेस को कई बार बुरी तरह से ट्रोल किया जा चुका है, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। ऐश्वर्या के लिए ना सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स किए जा रहे हैं बल्कि उन्हें गालियां तक दे रहे हैं, जबकि बिकनी पहनने वाली वो पहली एक्ट्रेस तो नहीं है। मालदीव या फिर किसी भी बीच पर जाने वाली सभी एक्ट्रेस बिकनी में अपने पिक्चर पोस्ट करती हैं, भले ही वो अवनीत कौर हो या फिर कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस, लेकिन किसी को भी इतनी नफरत का सामना करना नहीं पड़ता जितना कि ऐश्वर्या शर्मा को करना पड़ रहा है। पोस्ट के नीचे एक कमेंट सबसे ज्यादा देखने को मिला और वो है सेम सेम मिस्टर एंड मिसेज नील भट्ट। एक ट्रोलर ने लिखा कि तुम भले ही कुछ भी कर लो लेकिन तुम कभी भी फेमस नहीं हो सकती, जबकि सच तो ये है कि वो ऑलरेडी फेमस हो चुकी हैं। किसी की भी ड्रेस के लिए इस तरह ट्रोल किया जाना आपको लगता है कितना सही और कितना गलत? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।